हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये डिज़ाइन आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको कैसे बनाया गया है। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स हाफ स्वेटर में, फुल स्वेटर में, बच्चों की कार्डिगन में और बड़ों की कार्डिगन में भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा बनकर आता है। 8 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। इसको बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे और 4 फंदे एक्स्ट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस डिज़ाइन को यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 22 फंदे लिए हैं। तो देखिए, पहला फंदा हम उतार लेंगे ऐसे ही। जो भी आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं पहले बॉर्डर बना लीजिए, उसके बाद आपको इस तरह से करना है। पहला फंदा उतार लीजिए, दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे, तीसरा फंदा सीधा बनाएंगे और ये स्टार्टिंग के 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। इस तरह से 4 फंदे सीधे बनाने के बाद इस फंदे को हम सीधा बनाते हुए इस तरह से 3 बनाएंगे। एक फंदे के 3 बनाएंगे। बहुत ही लूज़ लेना है इसको, तभी आपकी जो ये फलियाँ हैं ये एकदम साफ आएंगी। फिर इसके बाद जो फंदा है उसको भी हमें ऐसे ही बनाना है। देखिए, पहला फंदा सीधा बनाते हुए यहाँ से इसके ऊपर ऊन लपेटेंगे और फिर इसको दोबारा बुनेंगे, तो ये 1 के 3 हो जाएंगे। 2 फंदों को हमने इसी तरह से बनाया है, 1 के 3, 1 के 3। उसके बाद फिर वही रिपीट करेंगे, 4 फंदे बीच में सीधे बनाएंगे, 2 3 4। देखिए, 4 फंदे सीधे बनाने के लिए फिर से रिपीट करना है हमें वही। ये देखिए, इसको हम बहुत लूज़ बनाएंगे, धागा लपेटेंगे और इस तरह से सीधा फंदा बनाते हुए इसको लूज बनाएंगे, धागा लपेटेंगे और दोबारा इसी के अंदर एक फंदा और बनाएंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 1 2 3 4, फिर से 1 के 3 बनाएंगे, 2 फंदे में भी हम ऐसे ही करेंगे, 4 फंदे बचे हैं इनको हम सीधा बना देंगे, 1 2 3 4। देखिए इस तरह से। अब आ जाइए इसकी सेकंड रो पर, बैक साइड से। जो फंदे आपको उल्टे दिखाई देंगे वो आपको उल्टे ही बनाने हैं, 1 2 3 4। जो फंदे हमने उस साइड से सीधे बनाए थे वो हमने इस साइड से उल्टे बना दिए हैं, और जो फंदे हमने 1 के 3 बनाए थे वो हम इस वाले नेडल पर ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे। 6 फंदे होते हैं हमारे, ये 6 हमने ऐसे ही उतार लिए। इसके बाद बीच के जो 4 फंदे हैं वो हम उल्टे ही बनाएंगे, 2 3 4। देखिए, फिर से 6 फंदे उतारेंगे दूसरे नेडल पर, 2 3 4 5 6। देखिए, फिर बाकी के 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। इसके बाद फिर से 6 फंदे उतारेंगे, 4 फंदे उल्टे बना देंगे। तो इस डिजाइन की सेकेंड रो यहां पर फिनिश हो गई है। अब हम हैं थर्ड रो पर। देखिए क्या करना है, पहला फंदा उतार लीजिए, बना भी सकते हैं, दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे। इसके बाद देखिए क्या करना है, ये जो 2 फंदे हैं ये हमें यहाँ लेकर आने हैं, इन 3 फंदों के बीच में लाने हैं और इन 3 फंदों को हम देखिए इस वाले नीडल से ऐसे उतारेंगे, इनको यहाँ से निकालकर बैक से ये फंदे इसमें उठा लेंगे और यहाँ आगे से स्लाइड डालकर
यहाँ हम फली बना देंगे ऐसे। उसके बाद इन दो फंदों को सीधा बनाएंगे पहले इस तरह से। इसके बाद देखिए ये तीन फंदे हैं हमारे पास जो हमने एक के तीन बनाए थे। अब हम बैक साइड से ये दो फंदे पकड़ेंगे इस तरह से और इन तीन फंदों को पीछे ले आएंगे ऐसे। पहले हम ये दो फंदे बुनेंगे, सीधा बुनना है इनको, एक दो, देखिए सीधे बुन दिए। अब बीच से सिलाई डालकर इन तीनों फंदों को एक साथ हम ऐसे बुन देंगे, तो इस तरह से ये फली आएगी। इसके बाद फिर से वही रिपीट करना है हमें। ये जो छह फंदे हैं हमारे एक के तीन, इनके बीच में हमें ये दो फंदे और इधर से ये दो फंदे लाने हैं, तो इनको हमें ट्विस्ट करना है ऐसे पकड़ेंगे। इस तरह से आगे सिलाई डालेंगे और ऐसे इसकी फली बना देंगे। फिर ये दो फंदे सीधे बनाएंगे और नेक्स्ट टाइम में हम पीछे से दो फंदों में सिलाई डालते हुए ये तीनों फंदे अगली सिलाई में डाल देंगे। इनको वापस इसी सिलाई पर डालेंगे और पहले इनको बनाएंगे और बाद में बीच से सिलाई डालते हुए तीन का एक कर देंगे इस तरह से। फिर से वही रिपीट करेंगे। इसके बाद ये दो फंदे बनाएंगे। अब की बात पीछे से दो फंदे पकड़ेंगे और इन तीन फंदों को हम पीछे ले जाएंगे, इनको वापस उसी सिलाई पर डालेंगे। पूरी रो में हमें यही रिपीट करते जाना है। इसके बाद बीच से सिलाई डाल करके इन तीनों फंदों को हमें एक करना है। लास्ट वाले दो फंदे हम सीधे ही बनाएंगे। तो इस तरह से थर्ड रो कंप्लीट हो गई है, फली बनाई है हमने। अब हम इसकी फोर्थ रो कैसे बनाएंगे, फोर्थ रो को हमें ऐसे ही बनाना है, उल्टा उल्टा बनाना है, सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे इसके। तो इस डिज़ाइन की चार सिलाइयाँ मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको इसकी पांचवी सिलाई बताऊंगी किस तरह से हम इस डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए पहला फंदा उतार लिया ऐसे ही, अब हम दूसरा फंदा बुनेंगे। जब हमने इस डिज़ाइन को यहाँ से स्टार्ट किया था तो हमने चार फंदे सीधे बनाए थे, अब की बार हम दो फंदे सीधे बनाएंगे। ये जो इसकी देखिए आपको इस फली की किनारी दिखेगी यहाँ, इससे आपको स्टार्ट करना है। अब इस वाले फंदे पर हम इस तरह से करेंगे एक के तीन। ये देखिए इस वाली किनारी जो यहाँ पर किनारी दिखाई दे रही है इसके ऊपर करेंगे, उसके बाद के बाकी फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार। अब देखिए यहाँ पर दो फलियाँ एक साथ हैं तो हम यहाँ पर दो बार ऐसा करेंगे, एक फंदे के तीन फंदे बनाएंगे। बाकी के बीच के चार फंदे सीधे बनाएंगे, दो तीन चार। फिर से यहाँ पर दो फलियाँ हैं, दो किनारी है, तो इन दोनों को हम उसी तरह से बनाएंगे, एक दो। फिर बीच के चार फंदे सीधे, दो तीन चार। फिर यहाँ पर एक फली है तो इसकी किनारी पर भी हमें वैसे ही करना है, एक के तीन बनाने हैं। और लास्ट वाले दो फंदे हम सीधे ही बनाएंगे।
तो अब फिर से एक बार हम बैक साइड पर हैं, और जैसे कि हमने रो नंबर सेकंड में किया था, बैक साइड को हमें उसी तरीके से बनाना है। तो देखिए, जो फंदे हमने उल्टे बनाए हुए हैं, जो हमारे नॉर्मल बुने हुए फंदे हैं, उनको हमें उल्टे बनाना है। एक, दो, दो फंदे उल्टे बना दिए। अब ये तीन फंदे हमारे, एक का तीन जो हमने किया था ये वो है, हम इसको ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद फिर से उल्टे फंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। ये देखिए चार बनाए। इसके बाद तीन ये वाले हैं और तीन ये हैं, तो छह फंदे हमने उतार लिए जिनको हमने तीन, एक का तीन किया था। इसके बाद फिर से हम वैसे ही बनाएंगे चार फंदे उल्टे, दो, तीन, चार। इसके बाद छह फंदे उतारेंगे, तीन और तीन छह, फिर से एक, दो, तीन, चार। और फिर से हम छः, तीन फंदे यहाँ से उतारेंगे जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में उतारे थे, और इसके बाद हम दो फंदे उल्टे बना देंगे इस तरह से। अब हम राइट साइड पर हैं। अब हमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले वाली रो में जो हमने फली बनाई थी, उसमें हमने सबसे पहले इस साइड बनाई थी, अब हम ये इस साइड बनाएंगे। तो स्टार्टिंग के दो फंदे हम बुनेंगे, एक, दो। अब हमें इसको इस हिसाब से बुनना है कि हमें ये वाली फली बुननी है, तो हमें बैक से दो फंदे लेने हैं ऐसे, इनको हम आगे ले आएंगे, और ये तीन वाले, तीन फंदे जो हैं इसको बैक में ले जाएंगे। यहाँ पर पहले हम इनको बुनेंगे, देखिए, और बीच से सिलाई डालकर तीन फंदों की हम फली बना रहे हैं। इस तरह से, ये देखिए। अब हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था। देखिए, इसको हम आगे से पकड़ेंगे ऐसे, और पिछले दो फंदे हम बीच में ले आएंगे। तो पहले हम इसकी फली बनाएंगे ऐसे, और फिर ये दो फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए ऐसे, तरीका वही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा इसमें पैटर्न चेंज होगा आपका। अब पीछे से दो फंदे यहाँ से पकड़ेंगे, इन तीन फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे इसके साथ। देखिए ये फंदे हमने इसके साथ बुन लिए, और यहाँ हम बीच से सिलाई डालकर इसकी फली बना देंगे ऐसे। तो इसी तरह से आपका ये डिज़ाइन बढ़ेगा। ये पूरी लाइन मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसमें हमें फंदों को ट्विस्ट करते हुए फली बनानी है। सीधी साइड से सीधा बुनेंगे पूरा, और उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से चार जो हमारे फंदे होते हैं सीधे, वो बीच में आ जाते हैं, और दोनों साइड फली आ जाती है। अब यहाँ लास्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए इस तरह से, ये जो लास्ट के चार फंदे बचे हैं इसको हम सीधा बना देंगे। देखिए इस तरह से डिजाइन आएगा आपका। अब आपको क्या करना है, उल्टी सिलाई पर पूरी उल्टी बनानी है, उसके बाद रो नंबर फर्स्ट से इसको स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आपका डिजाइन बन जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।